Hello, good evening everyone. Today we will discuss a good interesting chapter that is globalization class 10. मैं नितिन सिंह राजपूत आज वेलकम करता हूँ आप सभी का आज के इस लेसन में न्यू लेसन में लेसन नंबर फोर्थ इकोनॉमिक्स फोर्थ लेसन दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी. सो हियर टुडे वी विल लर्न अबाउट दी हाउ ग्लोबलाइजेशन टूक प्लेस. ग्लोबलाइजेशन किस तरह से होता है और इंडियन इकोनॉमी पे और इकोनॉमिक पे उसका क्या इफेक्ट होता है. तो लेट अस स्टार्ट द लेसन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. फर्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी विल स्टार्ट द लेसन. फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन होता क्या है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट देशों के बीच में यहाँ रैपिड इंटीग्रेशन होता है, रैपिड इंटरकनेक्शंस होता है और ये वन कंट्री दूसरी कंट्री से यहाँ इंटरलिंक होती है. ग्लोबलाइजेशन ऑल द वर्ल्ड बिकम विलेज. पूरी दुनिया गांव बन चुकी है. आज हम विद इन कुछ समय में हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होके आज हम देख सकते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन हमारे देश के इकोनॉमी पे और हमारे विद इन रीच आ गया है. तो गॉन वेज द डे एट दैट टाइम देयर वेयर वी टूडे वी हैव वराइटी ऑफ प्रोडक्ट. आज अगर आप देखोगे कि मोबाइल फोन सेल फोन्स हो गया, टेलीविजन्स या जो भी मास मीडिया है, कैमराज है, वॉट एवर द प्रोडक्ट यू वॉन्ट टू परचेज, आज मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज की वजह से टूडे इट इज पॉसिबल दैट ऑल द डिफरेंट वराइटी ऑफ प्रोडक्ट टूडे वी आर विद इन अवर रीच. तो आप देख सकते हैं मल्टी वराइटी ऑफ प्रोडक्ट आज आपके विद इन रीच होके गए. कस्टमर्स आर बिकेम हैप्पी बिकॉज दे आर गेटिंग वराइटी ऑफ प्रोडक्ट. सो गॉन वेयर द डेज, वो जमाना गया कि जहां इंडिया के रास्ते पे एम्बेसडर कार ही रन करती थी. नाउ टूडे वी आर अ नंबर ऑफ लिस्ट वी कैन मेक दैट टूडे वी आर वराइटी ऑफ नंबर ऑफ कार्स आर देयर. इट पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ एमएनसी केम इन इंडिया. वेन डिड एमएनसी केम इन इंडिया? 1991. What happened in 1991 में हमारे देश में multinational companies, multinational MNCs ये काम, they came because of PV Narasimha Rao. PV Narasimha Rao ने वेलकम किया MNCs को, foreign trade, foreign barrier, liberalization कर दिया, special economic zone बनाया और within reach, आज हमारे reach में within reach customers को variety of product मिल रहा है. It happened just because of MNCs came in India. Former Prime Minister, that is PV Narasimha Rao, they welcomed the MNCs in India और MNC हमारे देश में आई और multinational companies से आज variety of product, अच्छे quality के product आज हमारे देश में available हो गए. So what we have seen that all the world become a village. पूरी दुनिया एक दूसरे से interlink हो गई है. आज within द सेम प्रोडक्ट विद इन अवर रीच हो गया है. इंटरकनेक्शन बिटवीन द ऑल द वर्ल्ड बिकेम ए विलेज. पूरी दुनिया गांव बन चुकी है. इंटर बैरियर्स हट चुके हैं. ट्रेड फ्लोरिश हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. इट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ एमएनसीज वेलकम इन इंडिया एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड. नाउ और फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड. हाउ डिज प्रोडक्शन टू प्लेस, हाउ डिड फॉरेन ट्रेड कैन बी पॉसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. तो वी विल कवर दैट फर्स्ट. सी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. दो देश के बीच में या डिफरेंट मोर देन टू ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो व्यापार होता है, जो गुड्स एक जगह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. ये पॉसिबल हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से. देयर इज वन मोर वे थ्रू विच कंट्रीज आर कमिंग क्लोजर, दैट इज मूवमेंट्स ऑफ पीपल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. वी नो दैट व्हाई पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. हम जानते हैं एक कई कारणों से हम एक देश एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करते हैं. सो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ बेटर एजुकेशन. So that's why we move from one country to another country. Better education के लिए, better jobs के लिए हम एक country से दूसरे country में जाते हैं. आपको याद होगा जब war चल रहा था Russia और Ukraine के बीच में, जब war अभी चल रहा था, तब हमारे देश में medical facilities के लिए, medical education के लिए हमारे देश के बच्चे Ukraine गए थे. तब PM हमारे देश के Prime Minister ने कहा था, आप हमारे देश का झंडा लेके चलिए, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा. So, see the power of our flag. See,
बेटर एजुकेशन बेटर जॉब्स के लिए लोग माइग्रेट करते हैं, एक कंट्री के दूसरे कंट्री में जाते हैं और इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड वन मोर वे दैट इज कंट्रीज आर बिकमिंग क्लोजर टू ईच अदर। कंट्री सारे कंट्रीज एक दूसरे के क्लोज में आ चुके हैं रैपिडली, यहाँ गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है और लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जॉब्स के लिए एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, इसी सारे प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मूविंग अहेड द नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड इकोनॉमी में ये हमने देखा प्रोसेस है, रैपिड इंटीग्रेशन होता है, रैपिड इंटरकनेक्टेड डिफरेंट कंट्रीज होती हैं। ग्लोबलाइजेशन कैसे अचीव हुआ, दैट फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट MNC करता है, MNC ग्लोबली प्रोडक्शन करता है, चीजों को ग्लोबली बेचता है, ग्लोबली ट्रेड करता है और यहां एक ही जगह पर प्रोडक्शन नहीं करता है, जहां सस्ता लेबर मिलेगा वहां प्रोडक्शन करता है, कॉल सेंटर दूसरे कंट्रीज में सेटअप करता है, अपने कॉस्ट को 50-60% वो मिनिमाइज करता है, अपने क्वालिटी के ऊपर काम करता है और MNC वैरायटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यहां कंज्यूमर्स के लिए लाता है, दैट्स व्हाई MNC हैज वैल्यूड। एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ग्लोबलाइजेशन हुआ तो व्हाट इज द बेटर प्रॉफिट एंड बेटर बेनिफिट्स फॉर अस। सी अंडर दिस प्रोसेस जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है। व्हाट MNC है, MNC है बेटर टेक्नोलॉजी, व्हाट डिड MNC है बेटर टेक्नोलॉजी MNC के पास में, फॉरेन करेंसी MNC के पास में होती, लोकल कंपनी के पास में सारी चीजें नहीं होती, ग्लोबली चीजों को बेचती है, ग्लोबली चीजों को प्रोडक्शन करती है, दैट्स वाई MNC इज वैल्यूड। सी यूजुअली पीपल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं इनकम बेटर एजुकेशन जॉब्स के लिए, बेटर एजुकेशन बेटर जॉब्स बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, इसलिए लोग जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज डिफरेंट कंट्रीज में मूवमेंट हो रहा है और टेक्नोलॉजी की वजह से आज ट्रांसपोर्टेशन, कहते हैं जिस देश में रास्ते अच्छे हैं उस देश का डेवलपमेंट जल्दी होता है, ट्रांसपोर्टेशन जल्दी हो गया आज टेक्नोलॉजी की वजह से, सेविंग ऑफ टाइम सेविंग ऑफ एनर्जी हो गया और इसके वजह से आज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से टेक्नोलॉजी से व्यापार और भी डेवलप हो गया डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। So, until the middle 20th century, production was organized within the countries. 20वीं सदी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा था जो ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता था। अब मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, MNC केम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स द प्रोडक्शन इन मोर दैन वन नेशन। हाउ डिड इट हैपन्स, कंट्रोल करता है प्रोडक्शन को और एक कंट्री नहीं बहुत सारे नेशंस के बीच में अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। हाउ डिड, एग्जांपल दिया टेक्स्ट बुक के अंदर कि MNC चीप लेबर जहां मिलेगा वहां पे अपना यूनिट सेटअप करता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है, सेकंड दूसरी जगह कॉल सेंटर सेटअप करता है, डिजाइन कहीं और बनाता है और 50-60% कॉस्ट को मिनिमाइज करता है और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट ये कंज्यूमर को देता है। सो दैट्स व्हाई MNC इज वैल्यूड। Until mid 20th century, production was organized within the countries, MNCs, इस प्रकार से आप देखते हो आज कितने different variety of product ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, raw materials भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और production ये organized तरीके से किया जा रहा है। So, production across the countries, production was largely organized within the countries, raw material, full stop, finished product, across the countries. आज इंडिया जो है हमारा देश फुल स्टॉप को फिनिश गुड्स को बेचता है, दूसरे कंट्री में से व्यापार करता है, ट्रेड मेन चैनल है, ये कंट्रीज के बीच में जोड़ता है। MNC की कंपनी का प्रोडक्शन वो एक से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में करता है। सी MNCs और ट्रेड, यहाँ ये पॉइंट क्लियर हो गया है। नाउ प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज मिडिल 20th सेंचुरी में कैसे हो रहा है, देखिए प्रोडक्शन लार्जली ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है, बाउंड्रीज अदर कंट्रीज के दूर हम रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, फिनिश फूड गुड्स फुल स्टॉप्स भेज रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट भेज रहे हैं और कॉलोनीज जो है ये इंडिया जैसी जो कंट्री है जो रॉ मटेरियल दूसरे कंट्री को दे रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से इंटरकनेक्शन डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हो गया है। अब देखिए प्रोडक्शन
जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन के यूनिट के लिए. फर्स्ट चीज, व्हाट डिड एमएनसी रिक्वायर. एमएनसी को रिक्वायर होता है स्किलफुल अनस्किल लेबर की जरूरत होती है. यहाँ सस्ते रेट पे लेबर्स की रिक्वायरमेंट एमएनसी की होती है. एमएनसी अपने कॉस्ट के ऊपर काम करती है. आप थोड़ा सोचो, इंडिया के अंदर हमारे जो भी लोकल कंपनीज होते हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? व्हाट डिड दे डू? दे वर्क, दे इन्वेस्ट देयर मनी ऑन एडवर्टाइजिंग. यहाँ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं किया जाता है. हमारे देश के लोकल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम न करते हुए एडवर्टाइजिंग पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रोडक्ट पे काम नहीं करते हैं. इसके वजह से यहाँ पे आप वो उनका चीज इतना एमएनसी के प्रोडक्ट में कंपटीशन नहीं कर पाता है. एमएनसी क्या करता है? क्वालिटी के ऊपर काम करता है, मिनिमाइज करता है अपने कॉस्ट को, 50-60% कॉस्ट को मिनिमाइज करता है. सस्ता लेबर, स्किल अनस्किल लेबर दोनों उसको जरूरत होती है. मार्केट वहां अवेलेबल होना चाहिए, नियर बाय मार्केट, डिस्टेंस टू द मार्केट, एंड वी वॉन्ट दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और द रिसोर्सेज एमएनसी रिक्वायर्ड. एमएनसी इस प्रकार से अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम करता है, चीप मिनिमाइज कम कीमत में अपने प्रोडक्ट को बनाता है और उसको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचता है. कंज्यूमर को क्या चाहिए? व्हाट कंज्यूमर रिक्वायर्ड? कंज्यूमर को चाहिए प्रोडक्ट सस्ता भी हो और बेहतर भी हो. सो जब बेहतर भी है, सस्ता भी है, तो क्यों ना ले? एवरी वन वॉन्ट्स. सो दिस इज द माइंड सेट ऑफ इंडियन पीपल. हमें प्रोडक्ट सस्ता भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए. इसी साइकोलॉजी को एमएनसी यहाँ वर्क करता है. सी फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स द सेटअप इन एमएनसी. एमएनसी वेयर डिड, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेयर डिड एमएनसी सेटअप दर प्रोडक्शन. एमएनसी सेटअप दर प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट. एमएनसी अपना यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ सेटअप करता है? जहाँ से मार्केट नज़दीक हो, वेयर द स्किल अनस्किल लेबर आर अवेलेबल. लो कॉस्ट में, चीप कॉस्ट में एमएनसी को लेबर्स रिक्वायर होते हैं, वो उसको अवेलेबल हो. जैसे एग्जांपल दिया है, चाइना में सस्ते लेबर वहाँ रिक्वायरमेंट मिल गई, वहाँ चीप लेबर मिल गया, एमएनसी ने अपना सेटअप चाइना में स्टार्टअप कर दिया, डिज़ाइन कई और कंट्री के और बनाया. इस प्रकार से लो कॉस्ट के लेबर्स उसको चाहिए. एमएनसी रिक्वायरमेंट अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी. सी वी हैव दिस वर्ल्ड WTO. क्या आपने WTO वर्ल्ड नाम सुना है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ट्रैफिक बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाते हैं. एमएनसी अपना सेटअप उस कंट्री के अंदर सेटअप करता है जिस कंट्री का फॉरेन पॉलिसी अच्छा हो, फेवरेबल हो एमएनसी के तौर पर. अगर कोई कंट्री एमएनसी से ज़्यादा टैक्स लेती है तो एमएनसी अपना प्रोडक्ट सस्ते कीमत में नहीं बेच पाएगा. सो एमएनसी अपना यूनिट, अपनी फैक्ट्री, कंपनीज वही सेटअप करता है जिस कंट्री का, जिस गवर्नमेंट का पॉलिसी उनके लिए फेवरेबल होता है. वी नो दैट WTO 164, कितना 164 दुनिया का मेंबर्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कीप वॉच करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी भी एमएनसी के लिए फेवरेबल हो. कोई भी एमएनसी, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी एमएनसी के पास से ज़्यादा टैक्स न ले, ये एमएनसी के ऊपर कीप वॉच रखने का काम, गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर वॉच रखने का काम यहाँ पे WTO करता है. मूविंग अहेड देखते हैं, वॉट आर द कंडीशंस एमएनसी लुक फॉर बिफोर सेटिंग अप फैक्ट्रीज. हमने पहले भी पढ़ा कि एमएनसी अपना फैक्ट्रीज यूनिट्स कहाँ सेटअप करता है? चीप लेबर, जहाँ उसको चीप लेबर मिले, अदर रिसोर्स सस्ते में मिले. एमएनसी अपना जहाँ नियर बाय मार्केट हो, इससे नीडो मैक्सिको में, वो अपने US में, यहाँ पे मार्केट नज़दीक हो, स्किल अनस्किल लेबर की जरूरत होती है. वी नो दैट. अब देखो प्रोडक्शन, एमएनसी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में कर दिया, यहाँ पे एमएनसी ने डिज़ाइन बनाया दूसरे कंट्री में, अमेरिका में, यहाँ पे इंडिया के अंदर जो इंजीनियर्स हैं दे आर वेरी गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये कस्टमर का आस्पेक्ट जानते हैं, तो ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हु नो द प्रोवाइड टू कस्टमर केयर सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल है, और चीप लेबर, मार्केट एंड एडवर्टाइजिंग आस्पेक्ट, KYC, नो योर कस्टमर. इस प्रकार से एमएनसी अपना यूनिट यही सेटअप करती हैं जैसे कॉस्ट को कम कर सके. द मनी स्पेंड ऑन मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड लैंड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट.
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज मीन बाय फॉरेन ट्रेड। एमएनसी जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे एमएनसी ने मशीन्स खरीदा, बिल्डिंग खरीदी और जमीन खरीदी, एमएनसी परचेज मशीन्स बिल्डिंग्स एंड लैंड्स, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट है, एमएनसी जो इन्वेस्टमेंट करती है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप कोई जमीन खरीदते हो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आप कोई मशीन खरीद रहे हो, कोई जमीन खरीद रहे हो, आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन एमएनसी जो बिल्डिंग खरीद के अपना ऑफिस स्टार्टअप करता है, यूनिट सेटअप करता है, उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहता है। सो देर इज डिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो आपका प्रॉपर्टी, आपकी लैंड, आपकी जमीन, वॉट एवर इट इज, दैट इज इन्वेस्टमेंट। एंड एमएनसी जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो यूनिट सेटअप करने के लिए, जो जहां भी रिसोर्स खरीदने के लिए जहां पैसा लगाता है, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो देर इज डिफरेंस बिटवीन टू मार्क्स क्वेश्चन आता है, वॉट इज इन्वेस्टमेंट, वॉट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो एमएनसी सेटअप द प्रोडक्शन यूनिट जॉइंटली सम लोकल कंपनी। एमएनसी दो तरीके से लोकल कंपनी के साथ में काम करता है। कैसे? आइदर लोकल कंपनी को खरीद लेगा और डू द कोलैबोरेशन, डू द पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनी। एमएनसी पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन करता है फॉरेन कंपनी, जो एमएनसी का कंपनी है, एमएनसी लोकल कंपनी से हाथ मिलाता है या उसको खरीद लेता है। दो तरीके से एमएनसी यहां लोकल कंपनी के साथ में काम करता है। व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, कंपैरिजन करके आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बाइंग एन एसेट, जो आप जमीन खरीद रहे हो, फैक्ट्री, मशीन्स, लैंड, ये जो है ये इन्वेस्टमेंट है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन सा है, जो एमएनसी इन्वेस्टमेंट करता है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहता है। आई होप नाउ द पॉइंट्स आर बीइंग क्लियर टू यू। इन्वेस्टमेंट मनी इज दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट, जो जमीन खरीद रहे हो, मशीन्स खरीद रहे हो, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। एमएनसी जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहता है। सो कीप डू द रिविजन अगेन एंड अगेन, व्हाट इज एमएनसी, एमएनसी क्या होता है। एन एमएनसी इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर उसको ओन्स एंड कंट्रोल्स करती हैं प्रोडक्शन को, मोर देन वन नेशन, एक नेशन के अंदर प्रोडक्शन नहीं करती है, इन मेनी नेशंस वो अपना प्रोडक्शन यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करता है। कहीं मार्केट नजदीक है जहां पे वो सेल कर रहा है, कॉल सेंटर को यूटिलाइज कर रहा है, डिजाइन कहीं और कंट्री में बना रहा है, मोर देन वन कंट्री। एमएनसी डू द प्रोडक्शन एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एमएनसी। जैसे आज एमएनसीज, बहुत सारे एमएनसीज है, गूगल, कोको कोला, फोर्ड, सैमसंग, देर आर नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। लीवर, हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान लीवर, इंडिया टू हैव एमएनसीज। ऐसा नहीं है कि हमारे देश का एमएनसी नहीं है। एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी, वी टू हैव अ नंबर ऑफ इन एमएनसीज, इंडिया टू हैव, वी शुड प्राउड टू बी फील। मूविंग अहेड, एमएनसी क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, यू कैन सी देर आर नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर देयर, सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। एमएनसी अपना सेटअप उसी कंट्री में करता है जहां उसको सस्ता लेबर मिले, जहां उसे अदर रिसोर्स जो है कम कीमत में मिले, वो ग्रेटर प्रॉफिट चाहता है, ग्रेटर डिमांड्स लोगों की फुलफिल कर सकता है, नया न्यू मार्केट चाहता है, वो रिक्वायरमेंट करता है। एमएनसी अपने कॉस्ट के ऊपर काम करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, कॉस्ट को लेस करता है और क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को देता है, कंज्यूमर्स को देता है। कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टू एमएनसीज, नंबर ऑफ एमएनसीज आर देयर, यू कैन रीड पीएनजी, आईबीएम, सो यू कैन रीड नंबर ऑफ एचपी, वोडाफोन, देयर नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर देयर, यू कैन सी कोको कोला, टाटा इंडिकॉम, हीरो होंडा, नंबर ऑफ एमएनसीज आर देयर। सी द मनी स्पेंड ऑन मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड लैंड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो एमएनसी करता है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और एमएनसी के साथ में कोलैबोरेशन करता है, यहाँ उसके साथ हाथ मिलाता है या उसको परचेस कर लेता है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी क्या होता है, अभी हमने जाना किस प्रकार से वो इन्वेस्टमेंट करता है और अपने प्रोडक्शन को वो प्रॉफिट कमाता है। बेनिफिट्स द लोकल कंपनी, व्हाई डिड एमएनसी के साथ में, व्हाई डिड लोकल कंपनीज डू द कोलैबोरेशन और दे सेल देयर कंपनी टू दी एमएनसीज। क्यों लोकल कंपनी, क्यों यहां एमएनसी के साथ में हाथ मिलाता है? टू थिंग्स एमएनसी हैव, फर्स्ट
एमएनसी के साथ में काम करने से नया प्रोडक्शन मेथड्स उनको मिलता है, नया टेक्नोलॉजी मिलता है, न्यू टेक्नोलॉजी मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलता है। एमएनसी के साथ में रहोगे तो चांद तक पहुंच जाओगे। यू कैन सी मोर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ही हम अपने कंपनी को प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। सो दैट्स वाई लोकल कंपनी पार्टनरशिप करता है या अपनी कंपनी को बेचता है। सी एट टाइम एमएनसी प्लेस ऑर्डर्स। समटाइम्स व्हाट हैपन, एमएनसी क्या करते हैं, जो भी छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको, वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको वो एक तरह से ऑर्डर देता है, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर देता है और आखिर में क्या करता है, अपना ब्रांडिंग लोगो उस कंपनी का, अपना एमएनसी अपना ब्रांडिंग लोगो उस प्रोडक्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर लगा के, फिनिश गुड के ऊपर लगा के उस चीज को बेचता है। सी बाय डू द प्लेसिंग ऑर्डर टू द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, द प्रोडक्ट आर सप्लाइड टू द एमएनसी, आखिर में फिनिश गुड बनने के बाद में एमएनसी को सप्लाई किया जाता है और एमएनसी सोल्ड करता है उसी प्रोडक्ट को एमएनसी के ब्रांड नेम पे। सी एमएनसी ब्रांडिंग है। आज ब्रांड क्या करता है, प्रोडक्ट को रिप्लेस करता है। आप किसी शॉप में जाते हो, आप शॉप में जाने के बाद में क्या डिमांड करते हो, भैया एक पेस्ट दो, ऐसा नहीं बोलते हो। एज यू गो टू एनी शॉप, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड यू रिप्लाई, क्या कहते हो आप, कोलगेट देना, तुरंत आपको कोलगेट मिल जाता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया ब्रांडिंग नेम। कोलगेट इज अ अमेरिका ब्रांड प्रोडक्ट है, एमएनसी है, आज पेस्ट नहीं मांगता है, आज ब्रांडिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देता है। इस प्रकार का ब्रांडिंग नाम आप एमएनसी का होता है, ब्रांडिंग। सो ब्रांड इज मोर इंपॉर्टेंट। सो अपडेट कीजिए अपने आप को, आपने आपका बेस्ट वर्जन आप बनाइए और ऐसे ही नॉलेज को आगे गेन करते रहिए। सी मूविंग अहेड, सेटिंग अप प्रोडक्शन एंड विद द लोकल कंपनी, लोकल कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करता है, लोकल कंपनी के साथ में हाथ मिलाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, लोकल कंपनी को नया मशीन्स मिलता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलता है। लोकल कंपनी यहाँ आइदर एमएनसी लोकल कंपनी को बायअप कर लेता है या टाइअप कर लेता है या उसके साथ पैचअप कर लेता है या उसको बायअप कर लेता है, खरीद लेता है। सो यहाँ कॉम्पिटिशन, लोकल कंपनी उसके सामने टिकाव नहीं कर सकती। वी नो दैट लोकल कंपनी फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इतना न्यू अपडेट मशीनरीज टेक्नोलॉजी नहीं होता है, लोकल कंपनी नहीं टिक सकता है। यहाँ ब्रांड नेम पे उस चीज़ को बेचा जाता है। एमएनसी देखिए, यहाँ प्लेसिंग एन ऑर्डर दे दिया, वुमेंस को फुटबॉल बना रही है, यहाँ लार्ज तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, एमएनसी ने फुटबॉल बना रही है और इस प्रकार से ब्रांडिंग लोगो आखिर में कंपनी अपना लगाती हैं और उस चीज़ को बेचती है। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन कैसे काम करता है। सी गुड्स सर्विसेस ये एमएनसी तो देता है, रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज करवाता है, कंट्रीज को क्लोज लाता है, एमएनसी क्लोज लाता है, इन्वेस्टमेंट लाता है, नया टेक्नोलॉजी आता है। इसी प्रकार से हमने देखा एमएनसी के वजह से नया टेक्नोलॉजी आता है, नया प्रोडक्ट आपके विद इन रीच होता है। सो ब्रांडिंग प्रोडक्ट आपके पास में, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, एक चीज खरीदने जाओ ब्रांडिंग, बहुत सारी चीजें अवेलेबल, चॉइस इंसान को मिलता है। सो एट टाइम एमएनसी प्लेस ऑर्डर्स, कभी ऑर्डर्स देता है और आखिर में अपना ब्रांडिंग लोगो लगा के प्रोडक्ट को बेचता है। सो वन एग्जाम्पल इज देयर, हाउ डिड लोकल कंपनी के कैसे खरीद लेता है, लोकल कंपनी को खरीद के आखिर में उस कंपनी को कैसे वो विद इन रीच और ज़्यादा लास्ट प्रोडक्शन करता है। अमेरिका की कंपनी है कारगिल फूड, कारगिल फूड जो कंपनी है एडिबल ऑयल बनाती है। अब एडिबल ऑयल जो कारगिल फूड बना रही है, यहाँ पारिक फूड एक कंपनी थी जो एडिबल ऑयल बनाती है। इंडिया के, अमेरिका की इस कंपनी ने हमारे इंडिया के पारिक फूड को खरीद लिया और एक ही महीने के अंदर, विद इन वन मंथ, आप देखोगे 5 मिलियन पाउच 5 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो यहाँ पे 50 लाख मिलियन पाउच यहाँ विद इन वन मंथ बनाए जा रहे हैं। कारगिल फूड अमेरिका की कंपनी लोकल कंपनी को बायअप कर लेती हैं और विद इन वन मंथ इतने पाउच बनाती है। एमएनसी सेटअप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनी, लोकल कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करती हैं, यहाँ लोकल कंपनी को सप्लाई करती हैं, या एमएनसी क्या करती हैं, विल बाय लोकल कंपनी। एग्जाम्पल इज देयर कारगिल फूड, इसने क्या किया, परचेस कर लिया लोकल कंपनी को और यहाँ प्रोडक्शन वास्ट इन ए लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन किया, ब्लूम किया, एंड यू कैन सी द
the result. What is the result? Within 1 month, 5 million pouch are being sold और बनाए जा रहे हैं. So, globalization होने के लिए transportation काफी important है. जिस देश के रास्ते अच्छे हैं, वो देश develop करता है. So, transportation से तुरंत goods market में पहुंचेगा, raw material तुरंत factories में पहुंचेगा. Transportation is very important. Rapid improvement in transportation, container service, जो container service हम जो भी लोड है अनलोड लोड करते हैं, यहाँ से आप देखो रोड्स अच्छे बेटर रोड्स हो गए रेलवेज में, यहाँ फास्टर डिलीवरी गुड्स को दिया जाता है. कंटेनर ने क्या किया, देखो कंटेनर किस प्रकार से शिप्स से लोड अनलोड करता है, यहाँ मजदूर उनकी वेजेस बचता है, या आप देखो टाइम एनर्जी सेव होता है. किस प्रकार से आज ट्रांसपोर्टेशन ये काफ़ी एयरवेज आज सस्ता हो गया है. तो देखिए 95% इंडिया का ट्रेड ये जो है वाटर बेस से होता है. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, दिस फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट. आईटी सेक्टर ब्रॉट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन. आज कम्युनिकेशन फील्ड में भी आज डेवलपमेंट हो चुका है. देखिए आप किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रैपिड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और फास्ट डिलीवरी हो रही है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. और आप देखो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर ने आज ई बैंकिंग सर्विस आ गया. एग्जाम्पल हमने आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे MNCs यहाँ पे भी दो कंपनीज आपस में फेस टू फेस न मिलते हुए भी ई बैंकिंग के थ्रू व्यापार कर सकते हैं. वी आर मूविंग अहेड, दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सी ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस रूल, लिबरलाइजेशन, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज लिबरलाइजेशन. गवर्नमेंट का जो फेवरेबल पॉलिसी होता है, टैक्स बैरियर्स को रिमूव कर दिया और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इजिली हो रहा है. टैक्स बैरियर गवर्नमेंट पॉलिसी, इट शुड बी वेरी गुड फॉर रोल to develop the countries. Say, foreign trade, to create an opportunity for the producers to reach beyond the domestic product. Domestic market में आज देखो कोई company foreign country में है, कोई MNC का setup कहीं और country में है, but यहाँ के हमारे market से वो एक तरह से competition कर रहा है. उसका product, उसकी MNC हमारे देश में setup है, वो product हमारे देश में बेचा जा रहा है, और उसके वजह से हमारे देश के अंदर यहाँ whenever there is competition you will get better result. जब भी competition होगा political parties में हो या यहाँ पे local companies या MNCs के बीच में हो, we will get quality. So we have seen globalization and WTO. What is WTO? What is the full form of WTO? WTO क्या होता है? World Trade Organization. And what is the role of WTO? WTO किस प्रकार से काम करता है? आइए देखते इस topic के अंदर. So we will discuss what is WTO and the role of WTO. How many members are there in the board of WTO? Early beginning, there are 160 members are there. Now, at present, 164 members are there of WTO. And World Trade Organization. What is the full form of WTO? World Trade Organization. Impact of globalization in India. Globalization ka impact hamare desh ke upar kya hua? Employment generate hua. कोई एमएनसी हमारे देश के अंदर आती है, ग्लोबलाइजेशन होता है तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है. इंडियन कंपनी या नई टेक्नोलॉजी आता है, हम नई टेक्नोलॉजी को खरीद सकते हैं. हम देख सकते हैं कि सम कंपनीज यहाँ पे सक्सेस हो गई हैं. लोकल कंपनीज जब फॉरेन कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करती हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और सक्सेस उसको मिलता है. लोकल कंपनी के पास में वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं होता, लोकल कंपनी के पास में वी हैव सीन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. ग्लोबली प्रोडक्शन करने से एमएनसी के साथ हाथ मिलाने से बेटर इफेक्ट होता है. सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है एमएनसी की वजह से. आज हमारे पास में पैसा आएगा, हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट हमें चीप रेट में मिलेंगे. वी गेट चीप प्रोडक्ट, हमें सस्ते कीमत में प्रोडक्ट मिलते हैं. बट द क्वालिटी, हाउ द प्रोडक्ट्स आर, प्रोडक्ट्स आर गुड, गुड क्वालिटी, क्वालिटी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं लेकिन कम कीमत में इस्तेमाल कर रहे हैं. इट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ एमएनसी. ये पॉसिबल हो गया एमएनसी की वजह से. क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन आईटी इंडस्ट्रीज. वी नो दैट ग्लोबलाइजेशन का ये प्रॉफिट है, ये हमारे लिए बेनिफिट्स है. न्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई, नए रोजगार मिल रहे, टेक्नोलॉजी आ गया, हम लोकल कंपनी एमएनसी के साथ में कोलैबोरेशन कर रही है, यहाँ पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, अच्छे प्रोडक्ट हमको मिल रहा है. इस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन आने से हमारे लाइफ के ऊपर काफ़ी असर हुआ है और बेटर चीज़ें हमें मिली हैं.
पिछले 20 या 30 सालों में क्या हुआ, फॉरेन कंपनीज एमएनसीज हमारे देश में आई, प्रोडक्शन लोकल लोकेशंस में उन्होंने स्टार्टअप किए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर आया, फॉरेन ट्रेड हमारे देश में बीच में विद इन डिफरेंट कंट्रीज वन और मोर कंट्रीज के बीच में होने लगा, इंटरकनेक्शन मार्केट अवेलेबल हो गया। ये पिछले 20 या 30 साल में हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। वी नो दैट ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन ये डिफरेंट कंट्रीज में कम यहाँ पे इंटरकनेक्ट करता है, ऑल द वर्ल्ड बिकम अ विलेज, वी कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मोर देन वन और टू मोर कंट्रीज आर कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यहाँ इंटरकनेक्शन रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी से आज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, आज हम देख रहे रेलवे एयरवेज के थ्रू हम गुड्स को मार्केट में पहुंचा रहे हैं और फैक्ट्रीज पहुंचा रहे हैं। हम आईटी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, ई बैंकिंग आ गया है, आज हम मास मीडिया इस्तेमाल करते हैं, एक मैसेज ईमेल हम कर सकते हैं, ईमेल करता है, वॉइस मेल हम कर सकते हैं, कितने विद इन वेरी चीप रेट, बहुत ही कम पैसे में हम टेक्नोलॉजी का हेल्प करते हुए अपने ट्रेड को फ्लोरिश कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी वी कैन हैविंग अ डिफरेंट नाउ सी टैक्स एंड इम्पोर्ट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। किसी भी कंट्री का फॉरेन पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, कोई भी एमएनसी हमारे देश में तभी आएगी तब हमारे गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसी अच्छा होगा। अगर टैक्स बैरियर क्या होता है, अगर कोई एमएनसी हमारे देश में आती है और हम उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करते हैं, वी टेक मोर टैक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज कॉल्ड टैक्स बैरियर, उसे हम टैक्स बैरियर कहते हैं। और ये बैरियर है, ये हमारे दो कंट्री के बीच में या विद इन रिच हमारे वराइटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं आ सकते, सो देर शुड बी लिबरलाइजेशन। सो 1991 में हमने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज बनाया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया था और इस टैक्स बैरियर को हटाया था। टैक्स और इंपोर्ट्स जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो बेच, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, ये बैरियर है, ट्रेड को फ्लोरिश नहीं करने देता है, ब्लूम नहीं होने देता है टैक्स बैरियर। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एन एग्जांपल ऑफ बैरियर, एक इस तरह से बैरियर बन जाता है, ऑब्स्टैकल बन जाता है, उस ट्रेड को फ्लोरिश नहीं होने देता है। तो देर शुड बी ट्रेड बैरियर, ये जो एक वॉल बन जाता है, एक दीवार बन जाता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए, ये ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, ये टैक्सेस नहीं होना चाहिए। सो रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स सेट अप बाय गवर्नमेंट इज इट कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ट्रेड फ्री टू वन एंड ऑल, ट्रेड व्यापार सबके लिए आज़ादी होना चाहिए, और जब कोई ट्रेड बैरियर्स गवर्नमेंट ने जो सेटअप किए हैं उसको रिमूव कर दिया तो हम लिबरलाइजेशन उसे कहते हैं, वही हमारे फ्री से ट्रेड कर सकते हैं। देखो हमारे देश के अंदर 16 सेंचुरी में पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच जो आए और दे केम टू डू ट्रेड इंडिया में, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, ब्रिटिशर्स हमारे देश में हॉकिंस एक शिप में बैठ के आए थे, व्यापार करने आए थे, हमारे कंट्री को कैप्चर कर लिया। इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि किस प्रकार से देश आज़ाद होने के बाद में हमने क्या किया, हमारे कंट्री के लोकल प्रोड्यूसर्स को हमने आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, सेल्फ रिलायंट हमने हमारे देश के लोकल प्रोड्यूसर्स को बनाने के लिए हमने टैक्स बैरियर लगा दिया, फॉरेन कंट्रीज़ को आने से मनाई कर दी, और हम चाहते थे हमारे देश के जो कंपनीज हैं, हमारे देश के लोकल प्रोड्यूसर हैं, वो ग्रोथ करें। बट 1991 के बाद में हमने इस चीज़ को रिमूव किया, पीवी नरसिंह राव हमारे देश के प्रधान, और उन्होंने इस ट्रेड बैरियर को हटा दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया, टैक्स बैरियर्स, टैक्स ऑब्स्टेकल्स को हटा दिया, ट्रेड फॉर वन एंड ऑल, फ्री, आज़ाद कर दिया, और ट्रेड बैरियर ऑब्स्टेकल हट गया और इस प्रकार से आज़ादी होने लगी। वॉट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कितने मेंबर्स हैं हमारे वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, 164, देर आर 164 मेंबर्स आर देयर इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये वॉच करता है, इम्पैक्ट फेयर होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ इस चीज़ को समझना होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, हाउ डिड गवर्नमेंट मेक अ फेवरेबल पॉलिसी फॉर दी MNCs, what did government do, government ने क्या किया, government take a certain step to attract the MNCs को attract करने के लिए, foreign investment हमारे देश में आने के लिए government ने क्या किया,
we took the attractive steps. What did we do? We started a special economic zone. हमने हमारे देश में special economic zone बनाया. क्या किया? हमने MNCs को attract करने के लिए first 5 years, पहले 5 साल भैया आपको कुछ नहीं देना है. MNC आओ, MNC लेके आओ, हमारे देश में स्टार्टअप करो एंड वी विल प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज. ये फैसिलिटीज हम आपको देंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू. हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पहले 5 साल आपको कुछ नहीं देना है. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशन एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, दिस फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट 5 years. तो पहले 5 साल हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू MNCs को अट्रैक्ट किया. MNCs केम इन इंडिया एंड देन व्हाट वी नो रिजल्ट क्या बना. 1991 के बाद में MNCs हमारे देश में आई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन गए. कंपनीज सेटअप देयर प्रोडक्शन यूनिट थ्रू दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन. एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्या हुआ, दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस. उनको इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years, फर्स्ट 5 years के लिए उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है. तो MNC की बल्ले बल्ले हो गई हमारे देश में. बेटर MNC प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद इन कंज्यूमर्स के रीच हो गए और कस्टमर्स को यहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट मिला, चीपर रेट में मिला, सस्ता रेट में मिला. सो दैट्स वाई कस्टमर्स ऑल्सो बिकेम हैप्पी एंड MNCs केम इन इंडिया. सी वॉट इज द रूल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अगर किसी भी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर फ्लेक्सिबिलिटी लाती हैं, यहाँ ट्रेड बैरियर्स को हटाती हैं, इस ऑब्स्टैकल को हटा देती हैं, तो यहाँ पे हमारे उस MNC के लिए अच्छा होता है और इस प्रकार से फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता है. लेबर लॉज बनाए गए, जो लेबर्स जहाँ जिस फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी, वर्कर्स के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी दी गई. द कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वी नो दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, सर्टेन रूल्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं और वर्कर्स के लिए काफ़ी अच्छा है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए. और गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलाउ किया कंपनीज को, दे शुड नॉट इग्नोर द राइट्स ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स को अगर आप रेम्यूनेशंस, उनकी जो भी उनका पेमेंट है, जो डेली जिस पे काम कर रही है, मंथली उनको जो भी पेमेंट है, दे हैव टू पे एट एनी कॉस्ट. यहाँ पे निग्लिशियस या नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए. जो वर्कर्स के राइट्स है, दे शुड their production should be there for the workers. So instead of hiring workers on daily wages basis, companies ने यहाँ workers को hire करने लगे और short period के लिए. यहाँ initial stages पे आपने देखा कि company ने कैसे MNC ने यहाँ पे follow किया, tax barrier को हटा दिया और यहाँ पे cost of product labors को company को कम करवा दिया. However, MNCs are not happy with the labor laws. MNC हैप्पी नहीं थी क्योंकि लेबर लॉस जो थे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड रखती थी, वर्कर्स ज़्यादा डिमांड करते थे. नाउ सी मूविंग अहेड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फैसिलिटीज ग्रोथ इन इंडियन कंपनीज. इंडिया में MNC आई और सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज आज बेनिफिट ले रहे, इंक्रीज कर रहे, कॉम्पिटिशन इन्वेस्टमेंट में हो रहा है हमारे देश के अंदर. आपने देखा टेक्नोलॉजी आया, यहाँ प्रोडक्ट्स और मेथड्स आए, क्वालिटी प्रोडक्ट आए इंडियन कंपनीज के अंदर. यहाँ भी हमने कंपनीज देखी, कोलैबोरेशन किया और इंडियन कंपनीज भी MNCs के वजह से, ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंडियन कंपनीज आज ऐसा नहीं है केवल फॉरेन MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आई. वी टू हैव अवर MNCs. इट इज वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर अस दैट वी आर हैविंग टाटा मोटर्स. ऑटोमोबाइल फील्ड में हमारा टाटा मोटर्स है. रैनबैक्सी जो मेडिसिन बनाता है, एशियन पेंट्स, सुंदरन फास्टर, वी हैव सेट अप अवर प्लांट्स इन फॉरेन कंट्रीज. वी टू हैव MNCs. हमारे भी MNCs हैं और रिलायंस, रैनबैक्सी, अदर कंपनीज जो हमारे ग्लोबल कंपनीज हैं और हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू. और आज जैसे कॉल सेंटर फैसिलिटीज इंडिया देता है, IT सेक्टर में आज हम कितने, हमारा HYD, हमारा हैदराबाद, यहाँ हमारा बेंगलुरु, ये कितने आगे इस सेक्टर में आगे बढ़ चुका है. इंडियन कंपनी जो मैगजीन्स बनाती हैं, जैसे आपने एग्जांपल देखा, एक लंदन का मैगजीन कंपनी था जिसने यहाँ पे टैक्स मैसेज हमारी दिल्ली में भेजा और यहाँ उन्होंने विद इन ड्यूरेशन के अंदर वहाँ उसको कम्प्लीट किया और एयरवेज से मैगजीन को भेज दिया गया, ई बैंकिंग के थ्रू पैसा यहाँ पे दिया गया. तो सी हम अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गिविंग सर्विसेज. डाटा एंट्री होगा, अकाउंटिंग होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हो गए, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट होगा. तो वी हैव दैट क्वालिटी दैट वी इन चीप रेट में हम इंडिया ये सारी चीज़ें
मल्टीनेशनल कंपनीज को डेवलप करा रहा है और उनको ये सर्विसेज दे रहा है। अब देखो कि ये जो छोटी मोटी कंपनियां होती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये MNC के सामने लास्ट नहीं कर सकते, पेरिश नहीं कर सकते, उनके सामने कॉम्पिटिशन नहीं कर पाते, बिकॉज वी नो दैट MNC के पास में टेक्नोलॉजी है, MNC के पास में फॉरेन कंपनी, फॉरेन ट्रेड है, तो फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो इम्प्रूव कर पा रहे हैं। लेकिन छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो टिक नहीं पाते। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कैपेसिटर्स बनाने वाली कंपनी, प्लास्टिक टॉयज बनाने वाली कंपनी जो है, टायर्स डेली प्रोडक्ट बनाने वाले, या ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, ये इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो भी ये, इनके प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वर्कर्स जो है, मेनी टाइम्स इट हैपन दैट वर्कर्स लॉस देयर जॉब, ब्रेक मिलता है कंपनी से और वो सर्वाइव नहीं कर पाते, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन आती है, बड़ी कंपनी के सामने छोटी कंपनी नहीं टिक पाती है। सो MNC के वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है एंड वर्कर्स है, दे सफर अ लॉट। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन वर्कर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए ये अच्छी बात नहीं है। कॉम्पिटिशन यहाँ पे कभी कभी अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट होता है, ग्लोबलाइजेशन से कॉम्पिटिशन होता है, तो वर्कर्स का लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट होता है। कॉम्पिटिशन की वजह से अनएम्प्लॉयड जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, यहाँ पे उनको जब ज़रूरत होती है, व्हेन देर इज़ हाई पीक, जब मास प्रोडक्शन करना होता है तब इनको हायर किया जाता है, उसके बाद में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। हमने देखा कि गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में यहाँ पे चीप प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसे इंडियन एक्सपोर्टर्स जो ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे लार्ज ऑर्डर्स हमारे देश में दिए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे वर्कर्स सफर लॉट हुए इन कंपनीज के पॉलिसीज की वजह से। नाउ मूविंग अहेड द टॉपिक, दैट इज अर्लियर फैक्ट्रीज यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस। पहले परमानेंट बेसिस पे वर्कर्स को हायर किया जाता है, अब टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे वर्कर्स को हायर किया जाता है। सो ब्रेक दिया जाता है, ब्रेक कंसेप्ट के हाई, जब भी हाई पीक होता है प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन करता है, जब भी फेस्टिवल्स आते हैं प्रोडक्शन मास करना होता है, वर्कर्स को वहाँ पे लॉन्ग आवर्स भी काम करना पड़ता है। यहाँ पे पीक सीजन के थ्रू वर्कर्स नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं, इरेगुलर वर्क उनको OT ओवर टाइम करना पड़ता है, यहाँ पे वर्कर्स काफ़ी, लेकिन वेजेस रेम्यूनेशन उनके लेस होते हैं, ये काफ़ी गलत बात है। दे शुड गेट देयर शेयर और वर्कर्स वेयर डिनाइड टू देयर शेयर ऑफ देयर बेनिफिट्स। यहाँ पे बोनस की बात होगी, MNCs यहाँ पे लार्ज प्रॉफिट कमाती है, वर्कर्स को यहाँ दे हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। सो द कंडीशन ऑफ वर्कर इज द हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स कॉमन फॉर मेनी इंडस्ट्रीज, और ये यूनिट्स जो सर्विसेज इंडिया दे रहा है वर्कर्स के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, और वी नो दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब लोग काम करते हैं तो यहाँ पे बॉस इज ऑलवेज राइट, वी नो दैट, यहाँ पे वर्कर्स का कंडीशन कितना ख़राब है। सो प्रोडक्शन इन वर्कर्स को मिलना चाहिए और दे शुड एंजॉय दिस वन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। आखिर में एक बात आपसे कहना चाहूँगा, वी नो दैट आवर एजुकेशन हाइक्स स्टार्टेड, वी हैव लॉन्च आवर क्रैश कोर्स। सो इसके लिए आपके कूपन्स का जो लिंक है ये कॉमेंट बॉक्स में दिया जाएगा, और एजुकेशन हाइक्स एक अच्छा काम कर रहा है और यहाँ कम प्राइस में 699 में आपको एक बेस्ट पैकेज दे रहा है, ऑल द लेसन्स 9th and 10th का ये क्रैश कोर्स चला रहा है, और इज बेटर बेनिफिट दैट ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिस्कस विद आवर एक्सपर्ट्स टीम एंड यू विल गेट क्वालिटी एजुकेशन। आई होप यू विल हरी अप एंड जल्दी से इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।